फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्यूनिटी के अबाउट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इम्यूनिटी? सी, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर होती है। व्हाट इज द इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस पावर विच वर्क अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। तो अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी एक बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है जो फॉरेन बॉडी लाइक वायरस और बैक्टीरिया, कोई भी बॉडी जो हमारे बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करती है, कोई भी चीज़, उसको हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और इसको एक नाम और दिया जाता है, एंटीजन। अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो ये नाम नोट कर सकते हैं, एंटीजन। एंटीजन फॉरेन बॉडी होती है जो हमारे बॉडी में बाहर से एंटर करती है और कुछ ना कुछ हमको नुकसान पहुंचाती है। तो अपने बॉडी में एक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, एक पावर होती है रेजिस्टेंस पावर, जो इस बॉडी को बाहर निकालने का काम करती है, फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो काम करती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। पहली इम्यूनिटी होती है आपकी जनरल इम्यूनिटी। क्या होती है? आपकी जनरल इम्यूनिटी। अब जनरल इम्यूनिटी में क्या होता है, और दूसरी इम्यूनिटी होती है आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के डिफरेंस में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इम्यूनिटी क्या होता है? इट वर्क अगेंस्ट ऑल वायरस एंड बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि जो जनरल इम्यूनिटी होती है ये सभी वायरस के अगेंस्ट काम करती है। कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, इससे इसको मतलब नहीं है कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। जनरल इम्यूनिटी सभी वायरस और बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकालती है। अब जनरल इम्यूनिटी के लिए तीन सेल्स होती हैं बॉडी में मेनली जो वर्क करती हैं। उनके नाम हम आपको बताते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एक होती है मैक्रोफेज, ये सेल्स होती है। दूसरी सेल्स होती है आपकी न्यूट्रो फिल्स, और तीसरी होती है आपकी मोनोसाइट्स। ये जो ये मेन सेल्स होती हैं जो जनरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। ये क्या करती हैं? ये बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ कर खा जाते हैं, इससे वो किल हो जाते हैं। दे इनगल्फ एंटीजन्स, वो शॉर्ट में लिख देते हैं, दे इनगल्फ एंटीजन। मतलब कोई भी बैक्टीरिया और वायरस है ये उसको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, इस तरह से वो किल हो जाती है। अगर अपनी जनरल इम्यूनिटी वीक है, कमज़ोर है, तो फिर बीमारी आगे बढ़ जाती है, बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। अब हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अबाउट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये किसी एक बैक्टीरिया या एक वायरस के अगेंस्ट काम करती है। इट वर्क्स अगेंस्ट वन वायरस और बैक्टीरिया। अब इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है वैक्सीन बनाने में। आजकल जो कोरोना वायरस के बारे में बात चल रही है तो वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई हम इम्यूनिटी डेवलप कर लें अपने बॉडी में, तो वो होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसमें दो सेल्स होती हैं। एक होती है आपकी टी सेल्स और दूसरी होती है आपकी बी सेल्स। ये टी सेल्स एंड बी सेल्स ये क्या होती हैं? ये लिम्फोसाइट्स होती हैं।
लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो जब ये फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हमको हमारे बॉडी में प्रोड्यूज होता है ऑन ऑन फर्स्ट इन्फेक्शन, तब क्या होता है कि ये बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, ये दो प्रकार की सेल्स बनाती हैं। एक होती हैं आपकी मेमोरी सेल्स और दूसरी होती है आपकी प्लाज्मा सेल। ये दो प्रकार की सेल्स बनाती हैं, एक मेमोरी सेल्स, दूसरी प्लाज्मा सेल्स। अब मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में क्या डिफरेंस होता है कि मेमोरी सेल्स की खासियत होती है ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई द इट आइडेंटिफाई द एंटीजन। ये क्या करती है कि आपकी फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेती है, कौन, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल का काम होता है ये एंटीजन को या किसी वायरस को या किसी बैक्टीरिया को, जो भी ये फर्स्ट इन्फेक्शन होता है, तो ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा वायरस बॉडी में इन्फेक्शन हुआ था। तो ये बन जाती है मेमोरी सेल्स। और दूसरी सेल्स होती है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बनाती है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। क्या होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको हम बेसिक बता दें, ये आपका इस टाइप से होता है, इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है एंटीबॉडी का, ये देखिए। तो हमने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता दिया किसका, एंटीबॉडी का। ये होती है आपकी एंटीबॉडी, जिसकी आजकल रिसर्च भी चल रही है कि एंटीबॉडी बनाना। तो ये क्या करती है, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती है। इसको बनने में आपका 6 से 10 डे का टाइम लगता है। और ये एंटीबॉडी का क्या करती है, एंटीबॉडी किल द वायरस, एंटीबॉडी किल द वायरस। लेकिन ये 6 to 10 डे का टाइम लगती है बनाने में लगती है, तब ये वायरस किल हो जाता है एंटीबॉडी से। अब लेकिन जब ये सेकेंड टाइम कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है, तब क्या होता है, ऑन सेकेंड टाइम इन्फेक्शन, जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है या अटैक होता है, आप अटैक भी लिख सकते हो वायरस का अटैक, तो जब ये सेकेंड टाइम अटैक होता है वायरस का, तब क्या होता है कि जो मेमोरी सेल्स होती हैं आपकी, जो हमने आपको ऊपर बताया था, ये मेमोरी सेल्स, तो मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, आइडेंटिफाई कर लेती हैं। ये कब तक रहती हैं, ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं। जो मेमोरी सेल्स होती हैं ये आपका लाइफ लॉन्ग रहती हैं। तो ये क्या होता है कि मेमोरी सेल्स का काम होता है ये इमीडिएट आइडेंटिफाई कर लेती हैं इसको, सेकेंड टाइम के इन्फेक्शन को मेमोरी सेल आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इमीडिएट ये सिग्नल भेज के प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करने के बाद यहां से एंटीबॉडी बॉडी फॉर्म होती है। एंटीबॉडी फॉर्म होती है इमीडिएटली, कैसे होती है, इमीडिएटली, इसमें कोई लेट नहीं होता है, सेम डे। जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो सेम डे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती है और इसी को हम लोग कहते हैं कि अब हमको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के की वजह से हमको वैक्सीन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, वैक्सीन। तो वैक्सीन आपका इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी
पहले से बनी होती है, मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी इमीडिएटली बनना स्टार्ट हो जाती है और ये आपका जो एंटीजन है, जो वायरस है, उसको क्या कर देती हैं, ये किल कर देती हैं। तो वायरस को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनती हैं और इसको प्लाज्मा सेल्स बनाती है। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में सेकेंड वीडियो में। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उस कमेंट का जवाब भी देंगे और कोई अगर नया वीडियो चाहते हैं तो वीडियो भी हम उसमें बना देंगे। थैंक यू।